आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। मंगलवार को कीमती धातुओं में आधे फीसदी से अधिक की गिरावट आई है। एमसीएक्स पर अप्रैल वायदा सोने का भाव 1% से ज़्यादा टूट चुका है, जबकि मई वायदा चांदी की कीमत भी 1% से ज़्यादा गिर चुकी है। आपको बता दें कि भारत में बिकवाली के मौजूदा दौर से पहले पिछले हफ्ते सोना उछल कर 55,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। पिछले हफ्ते 2,070.44 डॉलर के स्तर को छूने के बाद हाजिर सोना 0.4% घटकर 1,943.09 डॉलर प्रति औंस रह गया। वैश्विक बाजारों में सोने पर दबाव था क्योंकि फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले बॉन्ड यील्ड चढ़ गया था। फेड बैठक में पॉलिसी बनाने वाले ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले और उच्च मुद्रास्फीति के कारण पिछले हफ्ते सोना ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया था। महंगाई दर में बढ़ोतरी से सेफ हेवन की मांग को बढ़ावा मिला था। मंगलवार को एमसीएक्स पर अप्रैल वायदा सोने का दाम 684 रुपये गिरकर 51,620 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं मई वायदा चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आई और यह 893 रुपये टूटकर 67,951 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। वैश्विक इक्विटी बाजारों में तेजी आई से बुलियन पर भी दबाव पड़ा। यूएस फेडरल रिजर्व की 2 दिवसीय नीति बैठक शुरू हो चुकी है और बाजार की सहमति ये है कि यूएस फेड इस बैठक में ब्याज दरें बढ़ा सकता है। चीन के बाद भारत सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सोने का आयात मुख्य रूप से आभूषण उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए किया जाता है। देश का सोने का आयात चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीने अप्रैल से फरवरी में 73% बढ़कर 43.1 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2022 में बहुमूल्य धातु का आयात हालांकि 11.45% घटकर 4.7 अरब डॉलर रह गया। चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीने में सोने का आयात बढ़ने से देश का व्यापार घाटा भी बढ़ा है। 2021-22 के पहले 11 महीने में व्यापार घाटा बढ़कर 176 अरब डॉलर हो गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 89 अरब डॉलर रहा था। भारत का सोने का आयात वर्ष 2021 में 1,067.72 टन हो गया, जो कोविड-19 महामारी के कारण 2020 के दौरान 430.11 टन था। स्विट्जरलैंड से सबसे अधिक 469.66 टन सोना आयात किया गया। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात UAE से 120.16 टन, दक्षिण अफ्रीका से 71.68 टन और ग्वीनिया से 58.72 टन सोने का आयात किया गया था। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।